सीधा आपको मुंबई लिए चलेंगे। टीम इंडिया मुंबई पहुंच चुकी है और यहां पर इंतजार कर रखे हैं लाखों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी एक दीदार के लिए अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स का और साथ ही साथ विश्व कप का। तो विश्व कप की जीत के बाद वर्ल्ड चैंपियन टीम अब पहुंची है मुंबई। मुंबई में टीम का जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट से लेकर वानखेड़े स्टेडियम तक हर तरफ क्रिकेट प्रेमी नजर आ रखे हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आ रखी है टीम इंडिया। टीम इंडिया का स्वागत, और आपको बता दें कि एक खुली बस में यह विक्ट्री परेड होगी और विक्ट्री परेड को लेकर भारी उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में। टीम इंडिया बाहर निकलते हुए एयरपोर्ट से नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें मुंबई में एयरपोर्ट से बाहर निकलती टीम इंडिया। टीम इंडिया के स्वागत के लिए लाखों की तादाद में क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं मरीन ड्राइव पर, क्योंकि मरीन ड्राइव पर ही यहां पर एक विक्ट्री परेड होगी, ओपन बस में होगी। इसमें तमाम खिलाड़ी मौजूद होंगे, तमाम खिलाड़ियों के साथ साथ देखिए वर्ल्ड कप मौजूद होगा। बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी इस वक्त मौजूद हैं इस विक्ट्री परेड को देखने के लिए। क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से काफी वक्त से इसको लेकर इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि आज आपको बता दें कि मौसम खराब था, ऐसे में दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई, थोड़ी देर से पहुंची है और मुंबई पहुंची है टीम इंडिया। एयरपोर्ट पर पहुंची, एयरपोर्ट पर ही स्वागत हुआ, एयरपोर्ट से बाहर निकली है टीम इंडिया। और ये आप देखिए भारी सुरक्षा के बीच टीम इंडिया बाहर निकल रही है। वंदे भारत के नारे लगाए जा रहे हैं, जीत का जश्न मनाया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों पर। तो विश्व विजेता टीम का ये भव्य स्वागत मुंबई एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं। यहां आपको बता दें वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम को सम्मानित किया जाएगा, कैश प्राइज दिया जाएगा, 25 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान किया गया है। और आपको ये बता दें कि 29 जून को साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम पहुंच गई है मुंबई। भारतीय टीम का स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं और जयकारे लगाए जा रहे हैं। क्रिकेट प्रेमी इंतजार कर रहे हैं बस एक दीदार अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का, एक दीदार वर्ल्ड कप का। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब चार्टर्ड प्लेन पहुंचा था रनवे पर, किस तरह से स्वागत किया गया था चार्टर्ड प्लेन के स्वागत के बाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मरीन ड्राइव की, मरीन ड्राइव खचाखच लोगों से भरा के। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर जाम तक की तस्वीरें सामने आ रखी हैं। ये देखिए आप मरीन ड्राइव किस तरह से क्रिकेट प्रेमियों से भरा के। ये है भारतीय टीम, भारतीय टीम के कोच भी इनके साथ हैं और भारतीय टीम एयरपोर्ट से बाहर निकली है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम में कैश प्राइज का ये कार्यक्रम होगा, उससे पहले विक्ट्री परेड होगी, एक ओपन बस में विक्ट्री परेड होगी और भारतीय टीम का इंतजार कर रखे हैं लाखों की तादाद में क्रिकेट प्रेमी। माय नगरी मुंबई की तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। भारतीय टीम को एयरपोर्ट पर पहुंचने पर किस तरह से स्वागत मिला है ये आप देखिए, लोग हर्षोल्लास में चिल्ला रखे हैं, एक उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम का स्वागत किया जा रहा है, वर्ल्ड कप का ये दीदार क्रिकेट प्रेमी कर रहे हैं। इस दीदार के लिए इंतजार काफी वक्त से किया जा रहा था, बरसात का ये मौसम, लेकिन फिर भी क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह देखते ही बनता के अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, वर्ल्ड कप का दीदार करना चाहते हैं। और एयरपोर्ट से बाहर निकली गए विश्व विजेता भारतीय टीम। मरीन ड्राइव पर लोगों का हजूम उमड़ पड़ा के T20 विश्व कप 2024 के चैंपियंस की विक्ट्री परेड होनी है। मरीन ड्राइव से वानखेड़े स्टेडियम तक लोगों की भीड़ देखी जा रही है, क्रिकेट प्रेमियों खचाखच यहां भरे हुए हैं।
ये तस्वीरें आप देखिए, एयरपोर्ट से बाहर निकली है टीम इंडिया, चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनाया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बेहद उत्साह में क्रिकेट प्रेमी हैं, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, एक झलक पाना चाहते हैं, वर्ल्ड कप की एक झलक पाना चाहते हैं, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। एक उत्साह के लोगों में, एक उत्साह है क्रिकेट प्रेमियों में। उत्साह ऐसा है लोगों में, देखिए आपकी किस तरह से चारों तरफ विक्ट्री साइन दिखाए जा रहे हैं और सुरक्षा का एक घेरा तमाम खिलाड़ियों के चारों तरफ बना लिया गया है, क्योंकि एक विक्ट्री परेड होगी, एक ओपन बस में तमाम खिलाड़ियों को चढ़ाया जाएगा। और भारतीय टीम ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है, विश्व विजेता भारतीय टीम बन गई है, इसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में बेहद उत्साह, बेहद खुशी, बेहद जश्न का माहौल आप देख रहे हैं। किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं, ये देखिए आप, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और भारतीय टीम इसी रास्ते से होकर निकलेगी। विक्ट्री परेड में भारतीय टीम हिस्सा लेने वाली है। विक्ट्री परेड एक ओपन बस में होनी है जिसमें वर्ल्ड कप रखा जाएगा, तमाम खिलाड़ी और कोच मौजूद होंगे। ओपन रूफ बस में ये विक्ट्री परेड होगी। अब एयरपोर्ट से बाहर भारतीय टीम निकल रही है, एक के बाद एक खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं। खिलाड़ियों को देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं। और ये वो बस है जिसमें सवार हो गए हैं फिलहाल तमाम खिलाड़ी, एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की झलक पाना चाहते हैं। बेहद उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में देखने को इस वक्त मिल रहा है। तो देखिए आप, तमाम खिलाड़ी एक के बाद एक बाहर निकलते हुए वर्ल्ड कप हाथ में हैं, वर्ल्ड कप लहरा रखे हैं, दिखा रखे हैं, जीत का एक जश्न, जश्न की अनोखी तस्वीरें। बेहद उत्साह आम लोगों में, बेहद उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरह से शानदार प्रदर्शन किया है वर्ल्ड कप में। रोहित शर्मा की वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम मुंबई पहुंच चुकी है। मौसम खराब था, ऐसे में आपको ये बता दें टीम इंडिया की नई दिल्ली से मुंबई वाली फ्लाइट कुछ देरी से पहुंची। और आपको ये बता दें अब कि टीम इंडिया की नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स से वानखेड़े स्टेडियम तक खुली बस में एक विक्ट्री परेड होगी। टीम इंडिया गुरुवार सुबह चार्टर्ड फ्लाइट से बारबाडोस से नई दिल्ली पहुंची थी, उसके बाद नई दिल्ली से मुंबई की यात्रा रही। अब मुंबई में मौजूद है टीम इंडिया। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम को सम्मानित किया जाएगा, 25 करोड़ के पुरस्कार राशि का ऐलान किया गया है। ये आपको बता दें 29 जून का ऐतिहासिक दिन, 29 जून को साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप पर भारतीय टीम ने कब्जा जमा लिया था। और आपको ये बता दें हम कि BCCI सचिव जय शाह भी अभी एयरपोर्ट से इनके आगे आगे बाहर निकले हैं टीम के, और उसके बाद टीम बाहर निकली है। क्रिकेटर्स काफ़ी उत्साह में और अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स को देखने के लिए, वर्ल्ड कप को देखने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। एक ओपन बस में विक्ट्री परेड होगी और फिलहाल एयरपोर्ट से निकले हैं तमाम खिलाड़ी, ये आप देख रहे हैं, बस में रवाना हो रखे हैं तमाम खिलाड़ी। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए पहुंचे थे। तिरंगा लहराकर जश्न मनाते प्रशंसकों को आप देख रहे हैं। टीम इंडिया हो गई है रवाना, इसके बाद देखिए विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। फिलहाल इस बस में सवार हैं तमाम क्रिकेटर, आगे बढ़ रहे हैं और विक्ट्री परेड के लिए बस में सवार होंगे जिसमें वर्ल्ड कप रखा जाएगा, तमाम खिलाड़ी मौजूद होंगे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए। मरीन ड्राइव पर बड़ी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो विक्ट्री परेड होगी,
भारतीय टीम का भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया। T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा और भारतीय टीम जिस तरह से वर्ल्ड कप जीती है उसके बाद से भारी उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, खचाखच भरी है मरीन ड्राइव की तमाम सड़कें। भारतीय टीम के लिए 25 करोड़ के पुरस्कार राशि का ऐलान किया गया है और वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम को सम्मानित किया जाएगा। स्टेडियम तक एक विक्ट्री परेड एक ओपन बस में निकाली जाएगी। विक्ट्री परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग यहां पर। मरीन ड्राइव लोगों से खचाखच भरा हुआ है। वानखेड़े स्टेडियम में कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम होगा। ये तस्वीरें आप देखिए। समंदर में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। शाम का समय है, ज्वार भाटा इस वक्त आता है और दूसरी तरफ संख्या में लोग और ये आप देख रहे हैं वो ओपन बस जिसमें विक्ट्री परेड की जाएगी। ओपन बस में तमाम खिलाड़ी, विश्व कप है और दूर से लोग दीदार करना चाहते हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का, वर्ल्ड कप का। खचाखच भड़ा के मरीन ड्राइव लोगों से क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। वानखेड़े स्टेडियम की तरफ देखिए, भारतीय टीम रवाना हो गई है और ये एक ओपन बस है जिसमें सवार हो गई है भारतीय टीम। इसी में वर्ल्ड कप रखा गया है, इसी में भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ी मौजूद हैं और ये एक विक्ट्री परेड है जिसे निकाला जा रहा है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप में किया है। 29 जून को साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप पर कब्जा भारतीय टीम ने जमाया था। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम को सम्मानित किया जाएगा। बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 25 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का ऐलान किया है। मरीन ड्राइव पर अब ये नजारा आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद हैं। एक ओपन बस में यहां पर विक्ट्री परेड की जानी है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं क्योंकि विक्ट्री परेड देखिए यहां से अब आगे की तरफ बढ़ रही है। वानखेड़े स्टेडियम की तरफ विक्ट्री परेड जाएगी। वानखेड़े स्टेडियम में कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम होगा। ओपन रूफ बस है ये, यानी कि ये एक ओपन बस है और इसमें सवार के तमाम खिलाड़ी टीम इंडिया के। इसी में वर्ल्ड कप रखा गया के और इस बस से ये विक्ट्री परेड निकाली जा रही है। बस आगे बढ़ रही है वानखेड़े स्टेडियम की तरफ क्रिकेटरों को देखने के लिए, अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए, वर्ल्ड कप के दीदार के लिए बड़ी संख्या में इस वक्त मौजूद है क्रिकेट प्रेमी। ये आप देखिए सड़कों पर कोई तिरंगा हाथ में लिए है, कोई विक्ट्री साइन दिखा रहा है, नाचते गाते जश्न मनाते और भारतीय टीम की जर्सी में पहुंचे हैं बहुत से लोग।
तो क्रिकेट प्रेमियों को आप देख रहे हैं किस तरह से जश्न की तस्वीरें आई हैं सामने। भारतीय टीम की जर्सी में पहुंचे हैं, तिरंगा लेकर पहुंचे हैं, जश्न मना रहे हैं। मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मुंबई पहुंच चुकी है टीम इंडिया और तो 17 साल बाद देखिए भारतीय टीम ने जिस तरह से वर्ल्ड कप जीता है और इसके बाद एक अलग ही उत्साह क्रिकेट प्रेमियों में देखने को मिल रहा है। 17 साल पहले ऐसा एक जश्न मनाया गया था, अब एक बार फिर से एक जश्न मनाया जा रहा है और वर्ल्ड कप में जिस तरह से भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह, क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मरीन ड्राइव की हैं ये तस्वीरें। तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से एक उत्साह है, किस तरह से लोग अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। तो वर्ल्ड कप चैंपियन भारतीय टीम का स्वैग से स्वागत मुंबई में हो रहा है, खुली बस में परेड होगी। 17 साल बाद दिख रहा है ये हसीन नजारा आप देखिए, यकीन ना हो कि इतने सारे लोग एक साथ इस तरह से निकल कर आ सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को मुंबई पहुंचने पर ये भव्य स्वागत मिला है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीता, जीत का झंडा गाड़ दिया, देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। बार बार डोस में साउथ अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम मुंबई पहुंची तो ये भव्य स्वागत, ये आप देखिए किस तरह का स्वागत किया गया है। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को यहां पर भव्य स्वागत मिला है। मुंबई में बड़े पैमाने पर प्रशंसक इकट्ठा हो गए हैं और वानखेड़े स्टेडियम तक 1 किलोमीटर लंबी बस परेड होगी, ये विक्ट्री परेड होगी। ये सिर्फ 1 किलोमीटर का ये दायरा, लेकिन इस एक दायरे में बड़ी संख्या में लोग दीदार करने के लिए खड़े गए। मरीन ड्राइव पूरी तरह से देखिए लेकिन भर चुका है, चारों तरफ लोग अपनी इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ऐतिहासिक पल क्योंकि 17 साल बाद ये नजारा आया सामने, इस तरह से विक्ट्री परेड हो रही है। 17 साल बाद भारतीय टीम ने जिस तरह से ये विश्व कप जीता, भारतीय टीम ने शनिवार यानी 29 जून को ट्रॉफी अपने नाम की। वर्ल्ड कप की जीत का जश्न नजर आ रहा है, किस तरह से लोगों में उत्साह है भारतीय टीम के लिए। विक्ट्री परेड की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम को सम्मानित किया जाएगा। BCCI ने भारतीय टीम के लिए 25 करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि का ऐलान किया है। यहां आपको बता दें 29 जून को साउथ अफ्रीका को हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का ये भव्य स्वागत। टीम इंडिया की विक्ट्री परेड, शानदार जबरदस्त जीत के बाद उसी तरह का जबरदस्त और शानदार स्वागत भारतीय क्रिकेट टीम का। फैंस में खुशी की लहर है, टीम इंडिया का स्वैग से स्वागत हो रहा है। वर्ल्ड चैंपियन भारत पहुंच चुके हैं और अब देश की आर्थिक राजधानी, फिल्म नगरी मुंबई में समुन्दर किनारे लोगों का, जनता का सैलाब, आवाम का सैलाब और ये बहुत ही शानदार पल भारतीय फैंस के लिए भी और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी। वानखेड़े स्टेडियम के सामने फैंस डांस कर रहे हैं। वानखेड़े से लेकर मरीन ड्राइव और मुंबई के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जोश और जुनून है। जिस जोश और जुनून के साथ टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, उसी जोश और जुनून के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी खुश माहौल में टीम इंडिया का स्वागत करने के लिए फैंस उमड़ पड़े हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और वो दिन जब भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में जीत हासिल की थी और आज का दिन जब हमारी टीम कप लेकर भारत वापस लौटी।
जबरदस्त लम्हे, यादगार लम्हे। भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय फैंस, सब जगह उत्साह, सब जगह खुशी, सब जगह जश्न और जोश का खुमार। हाथ हिलाकर खिलाड़ियों का अभिवादन कर रहे हैं फैंस, तो वहीं खिलाड़ी भी उनकी इस खुशी, उनके इस जज्बे, उनके इस जोश में और इस खुश माहौल में सभी की तरफ से। ये देखिए समुंदर की लहरें, लग रहा है कि समुंदर की लहरें भी खुशियां मना रही हैं टीम इंडिया के भारत पहुंचने पर, वर्ल्ड कप की जीत में। मौसम सुहाना है मुंबई का, और उसी सुहावने मौसम के साथ साथ देश में एक अलग किस्म की इस वक्त खुशी है। आज जब दिल्ली पहुंचे थे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, तो एयरपोर्ट पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद वो होटल पहुंचे, होटल में भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और जब लोगों को पता चला कि आज मुंबई में ओपन रूफ बस विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, वो सभी खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, कोच और भी टीम के अहम सदस्य इस परेड में शामिल होंगे, तो आज मुंबई की सड़कों पर सैलाब आ गया। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ समंदर, समंदर की लहरें, तो दूसरी तरफ उत्साह की लहरें, उमंग की लहरें, जोश की लहरें, खुशियों की लहरें, हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए खिलाड़ी। इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रही हैं मुंबई की सड़कें, इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा है एयरपोर्ट, और ये है वो तस्वीरें। ये देखिए सभी खिलाड़ी, वो सितारे जो चमक रहे हैं आज, जिन्होंने देश को गौरवान्वित महसूस कराया, वो सितारे जिनकी एक झलक पाने के लिए बेताब हैं फैंस, वो सितारे जिनके चमकते धुआंधार प्रदर्शन ने देश को एक बार फिर वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मनाने का मौका दिया। आप अंदाजा लगाइए, अजय अजय टीम है भारतीय टीम, एक भी मैच नहीं हारा, सभी को हराते हुए वर्ल्ड कप पर कब्जा किया, विजय रथ जारी रहा जीतों के साथ, और आखिर में जो रोमांचकारी मैच था, सांसें थमा देने वाला मैच था, वर्ल्ड कप 2020 फाइनल का मैच, वो एक एक तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। आप याद कीजिए कि किस तरह से मैच कभी साउथ अफ्रीका के हाथ में, कभी इंडिया के हाथ में, लेकिन फिर भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जज्बा दिखाया, जी जान लड़ा दी, पसीना बहाया, और उस पसीने बहाने की, उस जी जान लड़ाने की और उस प्रदर्शन और शानदार खेल का नतीजा यह हुआ कि आज पूरा देश खुशी में डूबा हुआ है।